कटरीना बनी वर्ल्ड सेक्सीएस्ट एशियन वुमेन, जेनिफर नहीं करेंगी एडॉप्शन, शर्मिला टैगोर ने किया इनॉग्रेशन, कटरीना कैफ की तबीयत बिगड़ी, शाहरुख और आमिर आए एक साथ, आमिर खान ने बदला अपना भेस। कटरीना कैफ ने ब्रिटेन के नंबर वन एशियन वेबसाइट के जरिए वर्ल्ड सेक्सीएस्ट एशियन वुमेन होने का टाइटल जीता। कटरीना ने ये टाइटल प्रियंका चोपड़ा, प्रीटा पिंटो, ऐश्वर्या राय बच्चन, लारा दत्ता, करीना कपूर, बिपाशा बासु और दीपिका पादुकोण को हराकर जीता। कहा जा रहा था कि जब से हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन मेक्सिको के एक ऑर्फनेज विजिट करके आई हैं, तब से वो एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हैं। पर रिसेंटली जेनिफर के स्पोक्स पर्सन ने इस खबर को सरासर गलत कहा। सेंसर बोर्ड चीफ शर्मिला टैगोर ने रिसेंटली केरला में चल रहे वुमेन इन मलयालम सिनेमा नाम एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया। कटरीना कैफ की तबीयत आजकल उनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि उनका हेमोग्लोबिन काउंट दिन ब दिन कम हो रहा है, जिस वजह से वो काफी वीक हो गई हैं। वैसे कैट्स अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पर लेती हैं, मगर आराम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। एक पोल के हिसाब से कटरीना कैफ इस साल की भी सेक्सीएस्ट एक्ट्रेस हैं, और शाहरुख खान और आमिर खान दोनों हैं इस साल के नंबर वन एक्टर्स। चलो, यहाँ तो ये दोनों एक साथ हैं, वरना इन दोनों को एक साथ देखने को आंखें तरस गई थी। आमिर खान जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी फैंस की लाइन लग जाती है, मगर रिसेंटली जब वो वाराणसी गए तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट नो वन रिकॉग्नाइज्ड हिम। दरअसल वो अपना भेस बदल कर गए थे एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिसमें कभी उनकी मॉम रहा करती थी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।